Subscribe and press the bell icon for latest update. लाभ का पद रखने को लेकर आपके 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में कांग्रेस उत्साहित और दिल्ली कांग्रेस ने संबद्ध विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उपचुनावों के लिए योजना बनानी आज शुरू कर दी है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अजय माकन और कांग्रेस की प्रदेश इकाई प्रभारी पीसी चाको एक बैठक में शरीक हुए। इसमें पार्टी पदाधिकारियों ने उठते हुए मामले और 20 विधानसभा क्षेत्रों में संभावित चुनाव के बारे में चर्चा की। बैठक में शरीक हुए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश पर यह चर्चा केंद्रित रही। आने वाले दिनों में सभी 20 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करने का फैसला किया गया। अब नजरें इस बात पर हैं कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर कब मुहर लगाते हैं। गौरतलब है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रपति आयोग की अनुशंसा मानने को बाध्य है। विधायकों या सांसदों के अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर अंतिम फैसला लेने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय लेते हैं। बताते चले कि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कमर अपनी कस ली है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।